गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर सैफुर रहमान ने कहा है कि सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन ने कराची के गुलिस्तान स्काउट ट्रेनिंग सेंटर पर 8वीं सिंध स्काउट कैंपुरी का इनेकाद किया जो कि 17 साल बाद हो रही है और जिसमें तकरीबन 1600 स्काउट्स और स्काउट लीडर्स सिंध के तमाम शहरों से शिरकत कर रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कैंपुरी के लिए अपने पैगाम में कहा है कि सिंध में स्काउटिंग के लिए इनकी सपोर्ट हमेशा जारी रहेगी। इस ट्रेनिंग सेंटर को मजीद बेहतर बनाने के लिए गवर्नर सिंध की जानिब से हर तरह का तआवुन किया जाएगा। ये बात उन्होंने 8वीं सिंध स्काउट्स कैंपुरी के 5वें रोज कायद डे के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए कही। इनका मजीद कहना था कि स्काउट यूनिफॉर्म में तमाम तासुबात से बालातर होकर सिर्फ स्काउट होता है। यही वजह है कि मजहबी इज्तिमात में खिदमात के हवाले से स्काउट्स पर भरपूर भरोसा किया जाता है। इनका मजीद कहना था कि ये है कि उनका जो सपोर्ट है वो स्काउट्स में हमेशा के लिए रहेगा और हम दावत देते हैं अपने स्काउट्स को अख्तर मीर साहब के वो तशरीफ लाए गवर्नर हाउस जब भी तमाम विजिट करने के लिए वहाँ पे किसी भी तरह का एक्टिविटी या फंक्शन करने के लिए। ये जो वर्दी है खाकी ये हर तरह से जो कास्ट क्रीम कल्चर उसको बाला है उससे बाला है। जो स्काउट की वर्दी पहनता है उससे कोई ये नहीं पूछता कि आपका मजहब क्या है। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई स्काउट सेक्रेटरी व कैंपुरी सेक्रेटरी सैयद अख्तर मीर ने कलमात इस्तकबालिया के दौरान कहा कि साइड हमारी बदली हुई है सर। ये सिर्फ 8वीं सिंध स्काउट कैंपुरी है जिसके अंदर सिंध के तकरीबन 27 से जायद अदला के 1400 से जायद बच्चे मौजूद हैं, 150 से जायद लीडर्स मौजूद हैं और 100 के करीब वो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जो इसको चला रही है। तो तकरीबन 1500 बच्चों का यूनिफॉर्म पर्सनल की ये गैदरिंग है। हमने सब कैंप के शुरका को 4 सब कैंपों में रखा हुआ है, इत्तेहाद, तंजीम, यकीन और कायद। तकरीब में जस्टिस रिटायर हसन फ्लोर, डॉक्टर मंसूब हसन सिद्दीकी, स्काउट कैडेट कॉलेज बटरासी के प्रिंसिपल तौकीरुल इस्लाम, दीदार हुसैन जलबानी, सैयद आबिद अली शाह, इमाम बख्श नागौर, तारिक अली, बुशरा एहसान और दीगर मौजूद थे। तकरीब में बाबा भाई कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह का केक भी काटा गया। मजीद स्काउट्स ने खूबसूरत टेबलो पेश किए जिन्हें हाजिर ने बेहद पसंद किया। तो मशरिक का एक ऐसा सूरज तुलू हुआ जो दीने मोहम्मदी का सिपाही बनकर नारे तकबीर बुलंद करके हक़ और सदाकत की शमशीर लिए जुल्म की जंजीरों को काटने आया, पैगाम आजादी देने आया और फिर दुनिया ने देखा कि जहदे मुसलसल की दास्तान निगारे वतन की सलामती का उनवान बन गई और दुनिया में एक नई इस्लामी सल्तनत पाकिस्तान बन गई। 27 रमजान मुबारक की रात उम्मत मोहम्मदी को कुरान का तोहफा देने वाले परवरदिगार ने 27 रमजान मुबारक के दिन उम्मत मुस्लिमा को पाकिस्तान का तोहफा अदा कर। 8वीं सिंध स्काउट कैंपुरी के 6वें रोज तंजीम सब कैंप के स्काउट ने साहिल समंदर की सफाई के अलावा माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक लोगों को आगाही फराम की और मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक पुलिस की मावनत की। कायद सब कैंप के स्काउट्स ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और वहाँ मौजूद लोगों को शजरकारी और सफाई से मुतालिक आगाही फराम की और कैंपुरी में इमरजेंसी रिस्पॉन्स के कैंप पर तरबियत हासिल की। यकीन सब कैंप के स्काउट्स ने ग्लोबल विलेज में कराई जाने वाली सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इत्तेहाद सब कैंप के स्काउट्स ने एडवेंचर ट्रेल और खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इत्तेहाद सब कैंप के स्काउट्स ने कैंपुरी के 6वें रोज अपना सब कैंप डे मनाया। इस मौके पर स्काउट्स ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया जिसे शुरका और मेहमान गिरामी ने बेहद पसंद किया। अलावादी आज होने वाली असेंबली तंजीम सब कैंप ने कराई। असेंबली में सूबाई स्काउट सेक्रेटरी व कैंपुरी सेक्रेटरी सैयद अख्तर मीर और कैंपुरी से मुतल्लिक तमाम अहदेदारान शरीक थे। असेंबली का आगाज तिलावत कलाम पाक और नात खानी से किया गया। बाद अज़ां परचम कुशाई और कौमी तराना पढ़ा गया। मजीद कैंपुरी के 6वें रोज गाइड डे के सिलसिले में गुलिस्तान स्काउट ट्रेनिंग सेंटर से गुलशन चौरंगी तक रैली निकाली गयी। रैली के दौरान स्काउट ने कायदे आज़म के अकवाले तरीन के बैनर उठा रखे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इसके अलावा कैंपुरी में गुज़िश्ता शब कल्चर नाइट मनाई गई जिसमें कैंपुरी के शुरका ने अपनी अपनी सकाफत के हवाले से लिबास देवतन किए हुए थे और अपने इलाकाई रक्स पेश किए।
कैमरामैन मसरूर अनवर, काजी नासिर, नुमान मिर्जा, मूसा अब्बास, उसामा जहीर और जहाजेब के साथ फुरकान मजीद, सिंध स्काउट्स कराची।